आरोग्य सेतु ऐप जिसे डाउनलोड करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या है और कैसे काम करता है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घरों में जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है उन पर अब सरकार की नज़र रखने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। इसके साथ ही तकनीक के जरिए ही कोरोना संक्रमित लोगों के मूवमेंट पर भी नज़र रखी जा रही है। भारत सरकार ने गुरुवार को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए लोग अपने आसपास कोरोना के मरीजों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि ये ऐप यूजर्स की निजता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा की सरकारों ने ऐसे मोबाइल ऐप शुरू किए हैं जिनके जरिए कोरोना वायरस COVID-19 से संबंधित जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन ऐप के जरिए कोरोना संक्रमित लोग और होम क्वारंटाइन पर रखे गए लोगों पर नज़र रखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी की आपात स्थिति से निपटने के लिए भले ही सरकार का यह कदम एक हद तक सही लग रहा हो, लेकिन अगर लोगों की निजता की बात की जाए और जो जानकारी सरकार इकट्ठा कर रही है उसका इस्तेमाल कब तक होगा और कैसे होगा, इसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और इसकी चिंता बनी हुई है। साइबर कानून एक्सपर्ट पवन दुग्गल कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वे सलायंस के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है। डाटा जब इस्तेमाल किया जाएगा तो निजता के अधिकार का हनन तो होगा ही, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन होगा जिसमें निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है। वे कहते हैं सरकार यह कह सकती है कि ट्रेसिंग जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर की जा रही है क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जरूरी है, लेकिन सरकार ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही है कि हालत सुधरने के बाद इस डाटा को नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना बनती है कि इस डाटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। आरोग्य सेतु की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ऐप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तैयार किया गया है ताकि देश के लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट किया जा सके। यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। जिस व्यक्ति के फ़ोन में यह ऐप होगा वो दूसरे के संपर्क में कितना रहे हैं यह पता लगाने के लिए ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल है तो अपने आसपास के उन लोगों को भी खोज लेगा जो आपके आसपास रहते हैं और उनके फ़ोन में ये ऐप है। ये ऐप बताएगा कि आपके आसपास रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है तो आपको कितना खतरा है, और GPS लोकेशन की मदद से वो ये भी पता लगाएगा कि आप कब उनके संपर्क में आए। ऐप की मदद से सरकार आइसोलेशन और वायरस संक्रमण फैलाने से रोकने के लिए जरूरी कदम भी वक्त रहते उठा पाएगी। ये ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि ऐप के नाम में मोबाइल नंबर, जेंडर, पैसा, ट्रैवल हिस्ट्री और आप धूम्रपान करते हैं या नहीं ये ब्यौरा भी पूछा जाएगा। ऐप में मौजूद आपकी निजी जानकारी और डेटा का इस्तेमाल भारत सरकार करेगी ताकि कोरोना से संबंधित डेटाबेस तैयार किया जा सके और वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सभी जानकारी क्लाउड में अपलोड की जाएगी और इसके जरिए आपको लगातार कोरोना वायरस से संबंधित सूचनाएं भी दी जाएंगी। मोबाइल नंबर पर सरकार की ओर से मैसेज और दूसरे माध्यम से जानकारी दी जाती रहेगी। किसी भी तरह की जानकारी का इस्तेमाल कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के अलावा किसी अन्य वजह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐप डिलीट करते हैं तो 30 दिनों के भीतर आपका डाटा क्लाउड से हटा दिया जाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।